आज पीएम मोदी करेंगे 2022 की आखिरी मन की बात, सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज, बीजेपी समेत देश के तमाम दिग्गज नेता पूर्व पीएम को कर रहे हैं याद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अटल जी को दी श्रद्धांजलि, सदैव अटल पहुंचकर किया युग पुरुष को नमन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अटल जी को दी श्रद्धांजलि, सदैव अटल पहुंचकर किया युग पुरुष को नमन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अटल जी को दी श्रद्धांजलि, हाथ जोड़कर किया अटल जी को याद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सदैव अटल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को किया याद। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। दिल्ली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले यात्रा में गाय कुत्ता बिल्ली सब आए, नहीं हुई हिंसा। राहुल गांधी को मिला साउथ सुपरस्टार कमल हासन का साथ, भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, सरकार की योजनाओं को लेकर हुई चर्चा। शीजान खान पर टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, गिरफ्तार शीजान को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। लखनऊ में क्रिसमस पर चर्चों के लिए जारी की गई कोविड प्रोटोकॉल की एडवाइजरी, सभी चर्चों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश। भोपाल में दिखी क्रिसमस की धूम, बोट क्लब में सेंटा क्लॉज ने लोगों को कराई बोट की सवारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में क्रिसमस पर सभी चर्चों में की गई सजावट, चर्चों पर की गई शानदार लाइटिंग। आगरा में क्रिसमस पर चर्चों में की गई सजावट, सुंदर लाइटों से जगमगाए चर्च। मुंबई के माउंट मैरी चर्च में पूरी हुई क्रिसमस की तैयारियां, चर्च में की गई शानदार सजावट। विदेश से आए यात्रियों का एयरपोर्ट पर रैंडम कोविड टेस्ट शुरू, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो यात्रियों को किया जाएगा क्वारंटीन। आगरा में कोरोना को लेकर जिला अस्पताल में अलर्ट, यूपी में हाई अलर्ट के बाद जिला अस्पताल में बढ़ाए गए वेंटिलेटर और बेड। कोरोना को लेकर डीएम संतोष राय ने आईजी एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ की बैठक। यूपी के सिनौली में कोरोना को लेकर अलर्ट है स्वास्थ्य विभाग, सीएमओ ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कहा कोविड को लेकर तैयार हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर की समीक्षा बैठक, कहा कोरोना को लेकर राज्य सरकार शुरू से ही संवेदनशील। मध्य प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने जिला अस्पताल का किया दौरा, कोरोना की तैयारियों का लिया जायजा। गुरुग्राम में कोरोना को लेकर तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। मोतिहारी चिमनी ब्लास्ट में मरे लोगों के परिवारों को आर्थिक मदद का ऐलान, सीएम नीतीश ने की 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा। बीएसएससी पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई, एक शख्स को किया गिरफ्तार, दो लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी, दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर चेताया, आज दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, शीतलहर को लेकर भी येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में AQI में सुधार, दिल्ली का औसत AQI आज 297 दर्ज किया गया। यूपी के कन्नौज में IG प्रशांत कुमार ने किया कोतवाली का दौरा, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जाति विकास जिलाधिकारी पर घूस लेने का आरोप, छात्रावास के अधिकारी ने लगाया आरोप। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने ओल्ड एज होम का दौरा किया, ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के लिए की गई व्यवस्थाओं का लिया जायजा।
दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गुरुद्वारों के पदाधिकारियों से की मुलाकात, कहा दिल्ली में सिख समुदाय के मसलों को हल किया जाएगा। महाराष्ट्र के सतारा में बीजेपी विधायक ए जय कुमार का हुआ एक्सीडेंट, पुल से नीचे गिरी जय कुमार की कार, अस्पताल में जारी है विधायक का इलाज। महाराष्ट्र के पुणे में ट्रक और कार में हुई भीषण टक्कर, चार लोग हुए घायल, अस्पताल में जारी है इलाज। मुंबई में सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते वक्त हुआ हादसा, पांव फिसलने के बाद ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच 50 शख्स, आरपीएफ के जवान ने बचाई शख्स की जान। दुनिया भर के देशों में क्रिसमस की धूम, अमेरिका से लेकर फिनलैंड तक लोगों में भारी उत्साह। बर्फीले तूफान में घरों में बंद अमेरिकी बच्चों को सेना का तोहफा, एनिमेशन से बनाया सेंटा, अमेरिका के नक्शे पर लगा रहा है दौड़। यूक्रेन की राजधानी कीव में ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों ने वक्त से पहले मनाया क्रिसमस, 7 जनवरी को मनाए जाने की परंपरा से होना चाहते हैं दूर। आजोव रेजिमेंट के यूक्रेनी युद्धबंदियों ने किया प्रदर्शन, परिवारों के साथ की क्रिसमस मनाने की मांग, जल्द से जल्द रिहा करने की मांग। पेरिस में पुलिस के साथ कुर्द समुदाय की झड़प, रिपब्लिक स्क्वायर के पास कई गाड़ियों को लगाई गई आग, 3 लोगों की हत्या से थे नाराज। क्रिसमस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दुख आया बाहर, कहा इस साल हर छुट्टी हमारे लिए कड़वा स्वाद बनकर आई, क्रिसमस की घंटियों को बताया सायरन की आवाज। वेटिकन में पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन में शांति के लिए की प्रार्थना, नए साल में शांति की जताई उम्मीद, सैकड़ों लोग हुए शामिल। ब्रिटेन में महारानी के निधन के बाद मनाया जा रहा है पहला क्रिसमस, राजकुमारी ने जारी किया भावुक संदेश, कहा महारानी के बिना क्रिसमस मनाने का एहसास हमें दुखी कर रहा है। रूस के कैमरू में घर में लगी भीषण आग, अब तक 22 लोगों की मौत, कई घायल। ब्राजील में एंटी बम पुलिस ने हवाई अड्डे के आसपास सर्च अभियान चलाया, संदिग्ध विस्फोटक मिलने के बाद चलाया गया अभियान। अमेरिका में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत, अमेरिका के 2/3 हिस्सों में खराब मौसम का अलर्ट। भोपाल में स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस कर्मी की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों से जारी है पूछताछ। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।